Hyundai न्यू जनरेशन क्रेटा का 7 सीटर वर्जन लाने की तैयारी कर रहा है। कंपनी ने इसकी टेस्टिंग शुरू कर दी है, जहां से इस एसयूवी की कई लीक्ड इमेजेस सामने आई हैं। लीक्ड इमेजेस से पता चल रहा है कि 7 सीटर क्रेटा में कुछ चेंजेस हैं इसके डिजाइन में और लुक्स में इन कंपैरिजन टू 5 सीटर क्रेटा। दोस्तों, पहले 7 सीटर क्रेटा की एक इमेज लीक हुई थी जिसमें उसका फ्रंट और साइड प्रोफाइल देखी जा सकती थी, और अब एक नई इमेज लीक हुई है जिसमें इसका बैक पोर्शन दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, दोनों ही इमेजेस को देखते हुए ये भी लग रहा है कि इसके स्ट्रक्चर में भी चेंज करेगी Hyundai इस बार। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑटोवेस्ट पे, और आज हम बात करेंगे 7 सीटर क्रेटा की नई लीक्ड हुई इमेज के बारे में और जानेंगे उसके बारे में सारी डिटेल्स। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। आपको बता दें कि जो नई लीक्ड इमेज सामने आई है उसके मुताबिक ऐसा लग रहा है देखने में कि इसका लुक चेंज होगा 5 सीटर क्रेटा के मुकाबले। नई लीक्ड इमेज में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि इसमें सी शेप के ब्रेक लाइट के साथ अलग डिजाइन के बड़े टेल लैंप्स का यूज किया गया है। साथ ही इसमें 5 सीटर वर्जन से अलग नए डिजाइन का टेलगेट दिया गया है। साथ ही लीक्ड इमेज में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि इसमें 5 सीटर क्रेटा वाला ही ट्विन एग्जॉस्ट यूज किया गया है। दोस्तों, लीक्ड इमेज में 7 सीटर क्रेटा रेल रूफ और शार्क फिन एंटीना के साथ दिखाई दे रही है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, इससे पहले लीक हुई इमेज में 7 सीटर क्रेटा का फ्रंट लुक दिखाया गया था। इसमें क्रोम इंसर्ट्स के साथ अलग डिजाइन की ग्रिल मिलेगी, जबकि LED हेडलाइट्स 5 सीटर क्रेटा के जैसी ही होने वाली हैं। साथ ही foglamps को फ्रंट बम्पर के नीचे की तरफ लगाया गया है। साथ ही 7 सीटर क्रेटा को फ्रंट पार्किंग सेंसर भी दिए गए हैं, और तीसरी लाइन की सीट के लिए रियर ओवरहैंग 5 सीटर क्रेटा से काफी लंबा है। दोस्तों, 7 सीटर Hyundai Creta के इंजन डिटेल्स अभी सामने नहीं आए हैं, लेकिन उम्मीद है कि इनमें भी 5 सीटर मॉडल वाले इंजन ही यूज किए जाएंगे। इनमें 1.5 लीटर के पेट्रोल, 1.5 लीटर के डीजल और 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन शामिल हैं। हालांकि दोस्तों, इंटरनेशनल मार्केट में इस एसयूवी को 1.6 लीटर टर्बो पेट्रोल या 2.0 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ पेश किया जा सकता है, जो इंजन हमें ग्लोबल मार्केट में किया सेल्टॉस में देखने को मिल चुके हैं पहले ही। दोस्तों, कई रिपोर्ट्स के मुताबिक Hyundai Creta 7 सीटर वर्जन को इंडियन मार्केट में साल 2021 के दूसरे हाफ में लॉन्च किया जा सकता है, और लॉन्च होने पर इसकी इंडियन मार्केट में सीधी टक्कर होगी टाटा ग्रेविटाज और MG हेक्टर प्लस जैसी गाड़ियों से। और वहीं दोस्तों, अगर फाइनली बात करें इसके एक्सपेक्टेड प्राइस के बारे में, तो इसका एक्सपेक्टेड प्राइस स्टार्ट हो सकता है 14 लाख रुपीज से, जो कि जा सकता है ऑल द वे अप टू 18 to 20 लाख रुपीज। तो दोस्तों, ये थी सारी डिटेल्स जो कि अब तक हमें पता चली हैं Hyundai Creta के 7 सीटर मॉडल के बारे में। आपकी क्या राय है इस Hyundai Creta के 7 सीटर मॉडल के बारे में, हमें ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ड्राइव सेफ एंड अंटिल नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।